शहर में चोरों का आतंक छाया हुआ था। दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन चोर किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। और अब तो चोरी की बात आम हो गई है। चारों चोर चोरी करते और कब्रिस्तान में जाकर सामान का बंटवारा कर देते। चोर जिस घर में जाते, कब्रिस्तान की मिट्टी साथ में ले जाते। आराम से घर में घुसकर सारा कीमती सामान चुरा ले जाते। चारों चोर एक दिन कब्रिस्तान से मिट्टी ले रहे थे, तब तक एक जिन्न प्रकट हो जाता है। जिन्न पूरी तरह से खून से नहाया हुआ है। उसे देखकर चारों चोर डर की वजह से भागने लगते हैं। जिन चारों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग रोज मेरे कब्रिस्तान से मिट्टी चुराते हो और छिड़क कर लोगों के घरों में चोरी करते हो। मैं तुम लोगों को एक एक करके खा जाऊंगा। कि हमें माफ कर दो, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है, अब तुम प्रतिदिन दो मुर्गे हमें खाने के लिए लाओगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन याद रहे, जिस दिन मुर्गे नहीं लाओगे उस दिन मैं तुम लोगों को मार कर खा जाऊंगा। ठीक है। अब रात के 12 बजे चोर पोल्ट्री फार्म में जाकर जिन्न के लिए मुर्गे चुराते हैं और कब्रिस्तान में लाकर जिन्न को दे देते हैं। पोल्ट्री फार्म का मालिक जब सुबह मुर्गों की गिनती करता है तो दो मुर्गे गिनती में कम हो जाते हैं। ये जरूर चोरों का ही काम है। अब मैं अपने फार्म की निगरानी करूंगा और चोरों को पकड़कर कानून के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचकर पोल्ट्री फार्म का मालिक रात में छुपकर मुर्गों की निगरानी करता है। रात के 11 बजे चोर मुर्गा चुराने के लिए आते हैं। तब तक पोल्ट्री फार्म का मालिक धीरे से दरोगा को फोन कर देता है। दरोगा पोल्ट्री फार्म हाउस पर पहुंचता है और चारों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चोरों को थाने ले जाकर चोरों से पूछता है, शहर में तुम लोग ही चोरियां करते हो ना? दरोगा जी, अगर हम लोग चोरियां नहीं करेंगे तो जिन्न हमें मार डालेगा। नमक हरामो, चोरियां अपने लिए करते हो और बदनाम जिन्न को करते हो। जिन्न भूत को कानून नहीं मानता, नहीं मानता। अगर हम लोग जिन्न को समय से मुर्गे नहीं पहुंचाए तो जिन्न हम लोगों को यहां भी आकर मार देगा। अबे तू क्या समझता है कि जिन्न के डर से मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा? इतना मारूंगा कि हेकड़ी गुम हो जाएगी। बता, तूने किस किस के यहाँ चोरियां की हैं? शहर में हम लोगों ने बहुत सी चोरियां की हैं, बहुत सी दुकानों को लूटा है। अरे किस किस का नाम लें? अब देखिएगा दरोगा जी, जिन इस वक्त आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया है। कब्रिस्तान में जिन मुर्गा न पाकर क्रोधित हो जाता है और उन चोरों की खोज में निकल पड़ता है। अपनी शक्तियों से जिन पता लगा लेता है कि चारों चोर कहाँ हैं। जब जिन को पता चलता है कि चारों चोर पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी वजह से आज मेरे लिए मुर्गे का प्रबंध नहीं हो पाया, तो जिन और क्रोध से भर जाता है और तुरंत उड़कर पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। तुम लोग यहाँ पर हो और मैं तुम लोगों का कब से इंतजार कब्रिस्तान में कर रहा था। जिन के इतना कहने पर चारों चोर डर जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिन अब उन्हें मार देगा। ऐसा सोचकर वे जिन से बोलते हैं, अरे हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपके लिए मुर्गे ही चुरा रहे थे, लेकिन फार्म हाउस वाले ने दरोगा को फोन कर दिया और दरोगा ने हमें अरेस्ट कर लिया। जिन चारों चोरों को जेल के अंदर ही मार देता है और खून से सना हुआ चाकू दरोगा के हाथ में पकड़ा देता है। जब तक यहाँ पर एसपी नहीं आ जाता, तुम इसे पकड़ कर रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरोगा के हाथ में खूनी चाकू पकड़ा कर शैतान एसपी को फोन करता है। कौन? मैं बदलापुर थाने से बोल रहा हूँ। जय हिंद सर, दरोगा जेल में घुसकर चार कैदियों को चाकू से हमला करके उनको मौत के घाट उतार चुका है। आप अभी आकर उसे अरेस्ट कर लीजिए। एसपी आकर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। चारों के खून का केस अब तुम्हारे ऊपर अदालत में दर्ज होगा। तुमने जो चारों का खून किया है, अब तुम्हारी सुनवाई अदालत में होगी। अभी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता हूं, हो सकता है तुम्हें सजा हो जाए। इतना कहकर एसपी दरोगा को जेल में डाल देता है और मामला अदालत में पहुंचता है। और जिस जेल में दरोगा बंद रहता है उसमें जिन आकर उससे कहता है, अब तो मुझे इंसानों का ही खून अच्छा लगता है, अब तुम्हें तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा।
ऐसा कहकर जिन दरोगा को मार देता है। दरोगा के मरने के बाद जिन खूनी हो जाता है और शहर में कत्लेआम करके लोगों का खून पीने लगता है। ये बात एक मौलवी साहब को पता चल जाती है। मौलवी साहब जिन्न के पास जाते हैं और उसके ऊपर कब्रिस्तान की मिट्टी छिड़कते हैं। कब्रिस्तान की मिट्टी पड़ते ही वो जिन्न चिल्लाने लगता है, उसका शरीर जलने लगता है और जलकर वो धीरे धीरे खाक हो जाता है और इस तरह जिन्न का अंत हो जाता है।